नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो हम 3.2 स्टार्ट कर रहे थे। उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन हमने कर भी दिए थे, कुछ रह रहे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। बहुत सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो, आसानी से हो जाएंगे। तो आज ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए। तो देखो, ये है कि a is equal to 0 minus 10x by 2 और 10x by 2 और यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 10x by 2 बराबर t मान लो, बहुत सारे तरीके हैं। अगर 10x by 2 is equal to t मानते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी गलती आप ज्यादा कर सकते हो। तो मैं इसको कोई बिना टी मारने हुए मैं डायरेक्ट वैसे ही कर रहा हूँ और आपके बिल्कुल समझ में आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखो, ये इसका एलएचएस पार्ट है, ये इसका आरएचएस पार्ट है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो, जब हम एलएचएस पार्ट को सोल्व करते हैं तो एलएचएस इज इक्वल टू, आपके पास दिया गया है आई प्लस ए, आई प्लस ए, I आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स है और A आपको दिया गया। तो देखो, I, I को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, इकाई अवयव, ठीक है। तो देखो इसका मान कितना होता है, देखो ये 2 into 2 का है, हाँ प्रश्न में उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जो I है वो 2 into 2 का है। तो I क्या होता है कि विकर्ण के अवयव 1 है, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं, यानी यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो वही प्लस लगा दिया मैंने। उसके बाद यदि हम बात करें a, a a क्या है, 0 माइनस 10x by 2, उसके बाद है 10x by 2 और 0, ठीक है, जैसा था हमने लिख दिया है। अब देखो, हमें इसको और इसको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो जोड़ना तो बिल्कुल सिंपल है भाई, हम पहले भी बता चुके हैं कि संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं भाई। तो ये इसके संगत अवयव 0 है, इस 0 के संगत अवयव माइनस 10x by 2 है। तो देखो, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस 10x by 2 आ जाएगा भाई। इसको और इसको ऐड करोगे तो 10x by 2 आ जाएगा, और जब इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा LHS का पार्ट है। अब RHS पार्ट में हमें इसकी वैल्यू ये लेके आना, हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अब हमें RHS को सॉल्व करना है, तो हम बात करें भाई RHS की। तो RHS के अंदर देखो क्या है, I माइनस ए, उसके बाद बाहर आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स दे रखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद है साइन एक्स और कोस एक्स, ये हमें दिया है, ठीक है। तो यहां तक आर एच एस है वो आई माइनस ए, ये हमें दिया गया है ना। तो आई माइनस ए, तो आई की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, I की जगह हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स है। माइनस ए है तो माइनस, उसके बाद a, a की बात करें तो a आपको दिया गया है माइनस 0 माइनस 10x by 2, उसके बाद 10x by 2 और 0, ये आपको दिया गया है। देखो I माइनस a, तो ये i माइनस a, फिर ब्रैकेट लगाया गया है, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ये मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया है। उसके बाद देखो इसके मल्टीप्लाई में ये दे रखा है, तो इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखो cos x माइनस sin x, उसके बाद sin x और cos x, ये हमारे पास क्लियर है। देखो इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर देखो क्या आएगा,
माइनस करने पर देखो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है भाई, तो 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो 0 माइनस माइनस 10x by 2 करोगे तो 10x by 2 पॉजिटिव आ जाएगा भाई। उसके बाद देखो 0 माइनस 10x by 2 तो माइनस में 10x by 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसको इसको हमने सोल्व कर दिया। अच्छा इसका मल्टीप्लाई अब इससे होगा भाई, तो यहाँ हमने दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आपको पता ही है भाई कि पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। ये पंक्ति है, इधर कॉलम है, तो यहाँ पे इसको उठा के आप यहाँ रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10x by 2, 1 आ गया और 10x by 2 आ गया, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस 10x by 2 into sin x, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे भाई ये हो गया भाई फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस जो पंक्ति है इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ होगा यानी माइनस साइन एक्स आ गया, इसका इसके साथ होगा यानी प्लस में 10x by 2 into cos x आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको मिटाओ, अब सेकंड पंक्ति को उठाओ यहां रखोगे तो यहां आ जाएगा माइनस 10x by 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 10x by 2 into cos x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में sin x आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10x by 2 into sin x और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में आ जाएगा cos x। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं भाई, मैं tan बराबर t भी लिख सकता हूँ, फिर sin cos को tan में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो बिल्कुल सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो ये यहाँ पे tan आया है, क्या tan को मैं sin upon cos लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि सर tan theta, यहाँ एग्जाम देखो कि जो tan theta होता है वो sin theta upon cos theta के इक्वल होता है, होता है कि नहीं होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई tan theta by 2 क्या लिख सकते हो आप, तो sin theta by 2 और अपॉन में क्या लिख सकते हो cos theta by 2। कैसे? देख यहां theta आता है तो यहां पे भी theta आता है, यहां पे भी theta आता है। अगर यहां मैं theta by 2 लिखूंगा तो यहां पे भी theta by 2, यहां पे भी theta by 2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है। तो मैं इस tan x by 2 है इसकी जगह sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 लिख सकता हूं भाई। तो देखो यदि इसकी हम बात करें तो यहां cos x है, cos x को रहने दो भाई, फिर प्लस बताओ इस tan x by 2 की जगह sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 लिख सकता हूं इनटू है sin x भाई, लिख सकते हैं हम ऐसा। अगर इसकी बात करें तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का मैं आगे लिख देता हूं, इस tan की जगह मैं लिख रहा हूं sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 into cos x, पीछे है माइनस sin x, ये मैंने माइनस sin x लिख दिया, यानी जहां पे भी tan x by था, tan x by 2 था उसकी जगह हमने sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 लिखा है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो माइनस sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 भाई इस tan की जगह लिख दिया
दिया, इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दें, cos x plus sin x. इस tan x by 2 की जगह फिर से हमें लिखना पड़ेगा sin x by 2 upon में cos x by 2 into है sin x और plus में है cos x. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई. कुछ नहीं किया, जो ये लाइन दी गई है इस लाइन के अंदर जहां पे भी tan x by 2 था उस tan x by 2 की जगह sin x by 2 अपॉन cos x by 2 लिखा है. उसके बाद देखो अब हमें इनका एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है. तो देखो सिर्फ एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने पर देखो क्या आएगा. जब आप एलसीएम लोगे तो देखो इसका एलसीएम लेना भाई, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos x by 2. क्या आ जाएगा? cos x by 2. तो ये cos x by 2 है x का, इसका एलसीएम है. तो ये बताओ इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा भाई? भाई इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2 into sin x. ठीक है भाई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं. सिर्फ इसका और इसका एलसीएम लिया है, cos x by 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया. इसकी बात करें तो इसमें भी एलसीएम आएगा cos x by 2. जब cos x by 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर आपके पास ये आ जाएगा, यानी sin x by 2 और cos x, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस sin x और cos x by 2. ठीक है, इसका एलसीएम लिया है तो ये आ गया, इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा. इसी तरह इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई टू कोस एक्स, फिर प्लस साइन कोस एक्स बाई टू, और आपके अपॉन में आ जाएगा कोस एक्स बाई टू. भाई हमने इसका इसका एलसीएम लिया फिर से कोस एक्स बाई टू आएगा, तो ये cos x by 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, इसमें और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो फिर से cos x by 2 आएगा. तो फिर से हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया cos x by 2. तो देखो ऊपर तो ये रहेगा, यानी sin x by 2 sin x, फिर प्लस है cos x और cos x by 2. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया. देखो ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, यहां से मैंने साइन को कन्वर्ट टेन को सॉरी टेन को मैंने कन्वर्ट किया था साइन अपॉन कोस में, तो हमारे पास ये आ गया साइन कोस, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया, कोस एक्स वाई टू आया, इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, सबका इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करने पर ये एक मैट्रिक्स आ गया. अब देखो अब मैं इधर कर रहा हूँ, ये इसको मैं मिटा रहा हूं. देख उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ये एलसीएम आ गया. अब देखो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो cos a प्लस माइनस b, एक पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें भी ये फॉर्मूला हमने काम में लिया था. तो cos a प्लस b, देखो cos के फॉर्मूले के अंदर cos cos sin sin आता है, तो cos a cos b sin a और sin b. ठीक है भाई, अब कौन से में प्लस आएगा कौन से में माइनस आएगा, तो देखो ये प्लस है तो यहां cos हमेशा माइनस लेके आता है, प्लस की जगह माइनस, यहां माइनस है तो यहां पे क्या लेके आएगा, वो प्लस लेके आएगा. इसी तरह यदि हम साइन के फॉर्मूले की बात करें तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी, लेकिन ये हमेशा प्लस है तो प्लस लेके आता है और यदि माइनस है तो माइनस लेके आता है. ठीक है, देखो कोस के फॉर्मूले में कोस कोस साइन साइन चलता है और साइन के फॉर्मूले में साइन कोस चलता है, इसका विशेष ध्यान रखना. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है. देखो जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
कोस कोस साइन साइन, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा फॉर्मूला लगेगा कोस का। अब देखो बीच में प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कोस, अब देखो इसमें ए का मान आप एक्स भी ले सकते हो, एक्स बाई टू भी ले सकते हो। अगर आप एक्स बाई टू लोगे तो एक्स बाई टू माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स बाई टू आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यदि हम बात करें, हम यहाँ पे ले रहे एक्स एक्स बाई टू, मतलब ये हमने ए का मान लिया है और ये हमने किसका मान लिया है बी का मान लिया है, और कोस के एंगल के अंदर यदि नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस एक्स बाई टू, ये लो भाई कोस एक्स बाई टू लिख दिया। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है, कौन से में कौन सा लगेगा। यहाँ बात करें तो साइन कोस चल रहा है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा साइन का बनेगा। अब ये पता करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन ए माइनस के इधर है तो वो ए होगा, तो साइन ए कोस बी, तो यदि हम बात करें ए का मान आया है एक्स बाई टू और जो बी का मान आया है वो आया है एक्स, तो ए का मान तो आया एक्स बाई टू, फिर माइनस बी का मान क्या आया है, बी का मान आया है एक्स, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद की बात करें अपॉन में, देखो कोस एक्स बाई टू है तो अपॉन में लिख दिया मैंने कोस एक्स बाई टू, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर भी देखो साइन कोस चल रहा है, ये तो चल रहा है, देखो साइन एक्स और कोस वाई मान सकता हूं, ए भी मानना चाहो ए भी मान सकते हो, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस का है ना भाई, तो हम कह सकते हैं कि सर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो बताओ अब ए का मान क्या है, अरे ए का मान क्या आएगा भाई, ए का मान आएगा एक्स भाई, इसको आगे लिख सकते हो इसको पीछे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन में है कोस एक्स बाई टू। यदि हम इसकी बात करें तो कोस एक्स बाई टू हमारे पास है ऊपर, देखो क्या जाएगा कोस कोस साइन साइन, इसका मतलब किसका फॉर्मूला बनेगा कोस का फॉर्मूला बनेगा भाई, तो कोस, अब देखो इसमें ए का मान किसी को मान लो, चाहे एक्स को मान लो चाहे एक्स बाई टू को मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां हम एक्स को ए मान लेते हैं एक्स बाई टू को बी मान लेते हैं, ये एक नया मैट्रिक्स आ गया। अब आपके आंसर आ जाए, देखो कैसे एक्स माइनस एक्स बाई टू करोगे तो बताओ एक्स में से x by 2 घटाओगे तो x by 2 से बचेगा, अपॉन में है cos x by 2। अब यहाँ यदि हम बात करें तो sin, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 तो x minus 2x यानी माइनस का x by 2 बचेगा, ठीक है, और अपॉन में क्या है cos x by 2। यहाँ देखो x minus x by 2 करोगे तो x में से x by 2 घटाने का x by 2 बचेगा, अपॉन में है cos x by 2। इसकी बात करें तो x minus x by 2 यानी cos x by 2 अपॉन में cos x by 2, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे आंसर आने वाले हैं, यहाँ पे एक आया, हमने क्या कहा था कि यदि सर साइन के अंदर साइन का जो एंगल है उसके अंदर यदि माइनस आ जाए तो बताओ ये माइनस बाहर आता है कि तो साइन के एंगल के अंदर यदि माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाता, लेकिन कोस के एंगल के अंदर देखो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यदि कोस माइनस एक्स आ जाए तो ये कोस एक्स आता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ाया है, तो बताओ ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया ये दो बचे, अब क्या बच गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू को क्या मैं टेन एक्स बाई टू लिख सकता हूँ भाई,
साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, तो बताओ यहाँ पे भी टेन एक्स बाई टू आया कि नहीं आया, ये दोनों कैंसिल हो गए वन, तो यही आप देखना है एलएचएस का मान है, तो हम कह सकते हैं कि सर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये सिद्ध हो गया, देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सर, टेन को साइन कोस में चेंज करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूले, देखो इनका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे सर हमें फॉर्मूले लगाया नहीं, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, अगर कोस कोस आ रहा है तो कोस का लगेगा, कोस कोस साइन साइन तो कोस का, अगर साइन कोस चल रहा है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।